गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स, की हाल चाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 11:30, अभी थोड़ी देर पहले ही उठ के आया। बहुत नींद आ रही थी भाई, बहुत अजीब सी नींद आ रही थी। और यहाँ पर जो है ना भाई, गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, तो मैं जस्ट अभी गाड़ी देखने के लिए आया हूँ कि गाड़ी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सारी चीज़ें। तो अभी मैं गाड़ी देखने के लिए आया हूँ। गाड़ी भाई ऑलमोस्ट गाड़ी कंप्लीट है, बस छोटी मोटी फिनिशिंग वगैरह चेक करनी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं गाड़ी की तरफ ही देख रहा हूँ। अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ भाई। ये हुई है भाई गाड़ी रेडी। शाइन मुझे आप बताओ कि भाई पहले से बढ़ा या नहीं बढ़ा, और गाड़ी अभी जितना PPF अपना आपको कम कर लेगा ना भाई, गाड़ी की शाइन और अपना आप रिफ्लेक्ट करेगी। अभी गाड़ी है भाई, ये रेडी हो चुकी है कम्प्लीटली, बहुत प्यारी लग रही है। नो डाउट इसके मिरर्स वगैरह करवाने हैं, एलॉय क्लीन करवाने हैं प्रॉपर तरीके से मिरर के ऊपर, और एलॉयस के ऊपर कोटिंग भी डलवाऊंगा, और टेल लैम्प और हेड लैम्प के ऊपर कोटिंग डलवाऊंगा। बाकी एक गाड़ी देखो भाई, पूरी कंप्लीट, क्या प्यारी कंप्लीट हुई है भाई, लुक एट दिस, बहुत प्यारी ब्यूटीफुल गाड़ी रेडी हुई है। और गाइस, आज है ना हैरियर आनी थी हमारे पास, एक जो हैरियर है वो एक्चुअली कहीं गए हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यार शाम तक आ पाएंगे, तो हो सकता है अभी हम लोग इनोवा लेके, इनोवा टेस्ट करनी है हमें, इनोवा के ऊपर छोटे छोटे बबल्स वगैरह हैं तो वो हम लोग डिफ्यूज़ करेंगे, और इस गाड़ी को हम लोग ट्राई करेंगे। अगर आज धूप निकल गई होगी तो हम इसको बाहर खड़ी करनी है, जिससे इसकी जो बबल्स वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। गाड़ी भाई पर्सनली देखूँ तो पर्सनली अभी चेक करूँगा प्रॉपर तरीके से, बट गाड़ी मेरे को दिख रही है सही, अच्छी रेडी हुई है। एंड अभी भाई जो हैरियर है उसका अपडेट ये है कि वो गाड़ी आएगी शाम को, तो टीम मेरी आज यहीं रुकेगी, तो लेट्स सी कि वो अभी इनोवा लगा के इनोवा थोड़ी बहुत रेडी करवाते हैं, बाकी हैरियर का काम आज शाम को छिड़ेगा, जो वो कल सुबह तक अपनी रेडी हो जाएगी। तो चलो जी, अभी देखते हैं, और छोटे मोटे काम पड़े हैं, पहले पूरी गाड़ी चेक करता हूँ खुद से पर्सनली, फिर इनोवा को लगाते हैं, इनोवा की चेकिंग करवाते हैं, और फिर इस काम को फ्री करते हैं। सो भाई, इनोवा का जो काम है वो भी चल रहा है, जो फिनिशिंग पॉइंट्स थे वो हम कवर करवा रहे हैं, खास करके जैसे आपको ये बबल दिख रहे होंगे, हम लोग ये बबल रिमूव करवा देंगे प्रॉपर तरीके से। और सॉरी फॉर म्यूज़िक, आना नहीं चाहिए वैसे अपना कॉपीराइट, बट मैंने बंद कर दिया है। एनीवेज, हम लोग जैसे ये फिनिशिंग के काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये भाई नितिन भाई ये लगे पड़े हैं प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग देने के लिए, एज टू एज, और गाड़ी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, क्रेटा भी कंप्लीट हो चुकी है। ये रखी भाई क्रेटा, क्रेटा का काम भी बहुत प्यारा हुआ है, बहुत प्यारा, बस छोटे मोटे जो बबल्स हैं वो हम लोग नॉर्मली जब गाड़ी धूप में रहेगी तो हो जाएगा। एक आई अपने पास फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर में यार ये ना गाड़ी ऑलरेडी PPF थी, कुछ एक्सीडेंटल के कारण बॉनेट में कुछ डेंट वेंट था वो हुआ था, तो इस पर से PPF हट चुका है, यहाँ से हट चुका है, और एक पीछे वाला बम्पर है वो कवर करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसकी वॉशिंग होने वाली है, वॉशिंग कराने के बाद ये अंदर आएगी, और साथ ही साथ क्रेटा का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, अब क्रेटा को लगाते हैं साइड में, उस गाड़ी का काम होता है उस गाड़ी को भी साइड में लगा देंगे, देन अभी स्टार्ट करेंगे फॉर्च्यूनर का काम। ये वाली भी बहुत प्यारी निकल के आई है, और वो तो ऑफकोर्स निकली निकली, बहुत प्यारी गाड़ी है। सो एज यूजुअल जैसे आपको मैंने बताया था कि अभी आई हुई है अपने पास फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर में क्या दिक्कत है ना यार, ये देखो आपको बहुत बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद दाने हैं पूरी गाड़ी पे, और ये स्क्रैचेस भी हैं। तो हम लोग क्या है अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंडिंग, जिससे क्या है ना इसका बिल्कुल एक फ्रेश लुक निकल के आएगा, फिर उसके ऊपर PPF करेंगे, जिससे PPF अच्छा भी लगे लगा हुआ। खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। नहीं भाई, यहाँ अंताक्षरी नहीं होती, यहाँ होती है बाइक वॉशिंग या गाड़ी वॉशिंग। तो भाई खाली बैठे हुए थे मैं और जशन, तो कोई काम था नहीं, तो हमने सोचा भाई अपनी बाइक ही धो लेते हैं, तो भाई यहाँ अपनी बाइक चमकाई जा रही है और कुछ नहीं है। और अंदर अपना इनोवा का काम हो चुका है, क्रेटा का हो चुका है एज यूजुअल, फॉर्च्यूनर का बॉनेट और बम्पर लग रहा है, उसकी बफिंग वगैरह करवाई थी कंप्लीट, और यहाँ भाई अपनी बाइक रेडी हो रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल ये भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। और सोच रहा हूँ यार इसके ऊपर कोटिंग कराई जाए, PPF कराई जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो सिर्फ प्लानिंग में ही है गाड़ी, अभी तो मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, और बाकी देखते हैं, शायद हो सकता है मैं 2-3 दिन बाद इस पे प्रोसेस पे कुछ देखें, तो इसका भी देखते हैं बाद में, कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर करेंगे भाई, या तो रैप करवा दूंगा कुछ अलग कलर के, या कुछ भी करेंगे ज़रूर इसके ऊपर कुछ डिफरेंट। भाई बातों में ना बिल्कुल पता ही नहीं लगता टाइम का कहाँ निकल जाता है, बस मैं 2 मिनट काम से गया हुआ था हिमालयन वॉश करवाइए, इतने में तो भाई दोनों भाइयों ने इतनी स्पीड में बॉनेट PPF भी कर दिया, भाई इनकी स्पीड बहुत अमेजिंग है, और काम भी बहुत अच्छा है नो डाउट, बट बहुत मज़ा आ रहा है भाई काम करने में भी, काम करवाने में भी।
यहाँ पर ये PPF हो चुका है बॉनेट, इसकी जो एज कटिंग है वो थोड़ी देर बाद करेंगे हम, जो मतलब ये ड्राई हो जाएगा। फिर तब से उससे पहले करते हैं भाई आगे का बम्पर और पीछे का बम्पर, क्योंकि ये भी बहुत टाइम लगाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बट इनमें टाइम बहुत होता है और वेस्टेज भी बहुत जाती है। बाकी भाई ये गाड़ी का काम चल ही रहा है और हिमालयन वॉश होके आ चुकी है भाई। वॉश होने के बाद थोड़ी बाइक पर अलग लुक तो आ जाता है भाई, नो डाउट। अब ये देखो भाई बाइक वॉश हो गई ना, मतलब एक अलग शाइन सी आ गई है भाई इसके ऊपर, नहीं तो ऐसी लगती है बेचारी कहाँ पुरानी कबाड़ हो रखी है। इनोवा है कंप्लीट और ये तो अपनी कंप्लीट हो ही गई है। और अब मैं जा रहा हूँ भाई ऊपर, क्योंकि मेरा भी जिम का टाइम होने वाला है और ऑलरेडी 4:38, तो अभी तो एक घंटा है अपने जिम के लिए। तो तब तक भाई मैं ऊपर जाता हूँ और कल वाला व्लॉग जो है एडिट करना है और फिर डालना है। तो मेरा जो व्लॉग है भाई 2 दिन लेट आता है, दुनिया का नेक्स्ट डे आता है, किसी का 1 दिन बाद आता है, मेरा 2 दिन बाद आता है, कहो तो बहुत टाइम बाद आता है। एनीवेज ट्राई यही करता हूँ भाई मैं जल्दी जल्दी मैं भी सारी चीज़ों में लगा रहूँ, बट चीज़ें ऐसी होती है ना यार, बहुत ज़्यादा काम रहता है और चीज़ें समझ सकते हो आप लोग, तो काम में इतना बिजी रहते हैं कि नहीं हो पाता। अभी व्लॉग एडिट करते हैं और फिर निकलूँगा भाई जिम 1 घंटे। तो भाई ये है अपना सेटअप, यहाँ लगाया है भाई टेम्परेरी टेबल रखी हुई है अपनी बेड के पास ही, सबसे बेस्ट सेटिंग ऑप्शन लगता है मेरे को, टेबल के पास टेबल लगा लो बेड के पास और सबसे बेस्ट। तो अभी कर रहा हूँ भाई एडिटिंग और एडिटिंग में हो सकता है शायद मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एडिटिंग यार बहुत पहले अच्छे से होती थी, अभी ये है कि हो जाती है बट थोड़ा टाइम लगता है। और है ना एडिटिंग आपने देखी होगी लास्ट वाला व्लॉग, कोई बहुत ज़्यादा खास एडिट नहीं था, बस एक बहुत बेसिक था, क्योंकि मैं जो अब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ पहले कुछ अलग था अभी कुछ अलग है, एक नया सॉफ्टवेयर है तो वो यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा मेरे को सीखने के लिए टाइम लग रहा है। हो जाएगा यार धीरे धीरे हाथ बैठता है, कोई भी चीज़ हो धीरे धीरे हाथ बैठता है। तो अभी भाई बैठ चुका हूँ एडिटिंग करने के लिए और ये वाला व्लॉग जो कल वाला व्लॉग है वो आज अपलोड करूँगा, तो कल सुबह 9 बजे तक आ जाएगा। और ये वाला व्लॉग भी आज ट्राई करूँगा रात को कम्प्लीट करके, इसको भी परसों लगा दूँगा। सो भाई बिल्कुल भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा, प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए, अभी बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है, क्यों क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने एडिटिंग करी नहीं थी, बहुत बेसिक एडिटिंग है जो मेरे से नहीं हो रही है। अभी चुका है भाई 8:15 और मुझे अभी कहीं जाना है बहुत ज़्यादा। तो भाई आज वाला ये जो व्लॉग है हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना और भूलना मत गाइज, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव।